थैंक यू सो मच गाइस, आई वाज क्वाइट। तो ऑडिशन तक कौन सा अपने आप में स्ट्रगल लेता था कि उस कमरे में कोई आए? आई हैव सीन सम ऑफ देम एंड रियली कंपटीशन देने आ नहीं रही, बाकी के मैं आ जाऊं ना, अब तो भाई, अब तो भाई उसका सच बैड फ्रेंड। सॉरी, दिस इज नाइस। क्या हो गया, क्या हो गया, रुको बताने दो। तू कोकिल कंटिल अप्सरा लग रही है, वाइट परी। Hi everyone, it's Shalini. Welcome back to my YouTube channel. I really hope you guys are doing well. Welcome to a new vlog. आज का vlog बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आपके favorite creators और Bollywood celebrities को आपको देखने को मिलेगा इस vlog में। मैं इस वक्त हूँ भोपाल एयरपोर्ट में, मैं जा रही हूँ मुंबई, 10:30 की फ्लाइट है मेरी, विच आई ऑलमोस्ट मिस्ड। हाँ, थैंक्स टू माई कैब ड्राइवर, उन्होंने नॉर्मल स्पीड में अच्छे से गाड़ी चला के मुझे पहुँचा दिया। एंड इतनी बड़ी सिक्योरिटी लाइन भी नहीं थी, वरना अगर मैं मुंबई में होती मेरी फ्लाइट तो पक्का मिस कर देती। आई मीन होता ही नहीं कि मैं उसे पकड़ पाती। मैं आपको मुंबई पहुंच के मिलती हूँ टर्मिनल 1 पे। ओह बाय द वे, आई एम सो एक्साइटेड टू शो यू द होटल वी आर स्टेइंग एट, सेंट रेजी से होटल। इट्स अ 5-star होटल। 5-star होटल में रुकने का एक्सपीरियंस इज लाइक 2 hours later. गाइज, मैं मुंबई पहुंच के, इट्स 34 degrees Celsius इन मुंबई, बट इट फील्स मच 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 हॉटर। T1 में बाहर निकलते थे ना, एकदम अजीब सी स्मेल आ रही थी, एंड आई डोंट नो व्हाई, बट पहले भी T1 में आई हूँ मैं, बट ऐसा पहली बार हुआ। एनीवे, सो अभी सेंट रिजीस में जा रही हूँ, 40 मिनट्स लगेंगे। हिमाद्री मस्ट हैव रीच्ड ऑलरेडी। मैं क्यों आई हूँ ये तो मैं आपको बताना भूल गई। सो जो अवार्ड नाइट हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड ब्यूटीफुल इंडियंस अवार्ड नाइट 2023। दिस इज बाय फेमिना एंड मामा अर्थ। सो इट्स नॉट ए अवार्ड फॉर जस्ट फॉर सेलिब्रिटीज, इट्स फॉर एवरीवन। जिन्होंने भी अपनी फील्ड में कुछ अच्छा काम किया है थ्रू देयर वर्क, उन्हें वो सम्मानित करते हैं अवार्ड से। आई एम नॉट नॉमिनेटेड फॉर एनीथिंग, आई एम जस्ट हियर टू अटेंड। रीच सेंट रेजिस, दिस होटल इज सो बॉम, माय गुडनेस। माय लगेज, आई नीड टू गो टू द 8th फ्लोर। कितना सुंदर है इसका हॉलवे, इतना प्यारा, एकदम विक्टोरियन वाइब दे रहा है, ये बहुत ही सुंदर है। आई मेंट लॉबी, लॉबी कहते हैं ना, उन्होंने मुझे बोला कि आप वड़ा पाव खाओ, उन्होंने मंगा के रखा है। मैंने बोला मैंने वड़ा पाव कभी नहीं खाया, तो वो वड़ा पाव ले आया मेरे लिए। एंड वो बोले कि फेमस जगह से ये वड़ा पाव, बट ही ऑल्सो डोंट नो दिस। आई होप इट विल टेस्ट गुड। ओके गाइज, मैं रूम में आ चुकी हूँ। आई नीड टू डू दिस रूम टूर ताकि मैं हमेशा याद रखूँ कि ऐसे किसी होटल में रुकी थी, और आप लोग को भी दिखाऊँ कि कितना कुछ कर दिया यार मम्मा अर्थ ने हमारे लिए स्टे के लिए। दिस इज़ द मेन डोर, वहाँ से मैं एंटर हुई। दिस इज़ माई लगेज जो अभी आया। द फ्लोर इज सो शाइनी एंड दिस इज़ द कबर्ड एरिया, और कबर्ड के ऑपोजिट ही वॉशरूम है, और मुझे वॉशरूम का कुछ कुछ पार्ट दिख रहा है। दिस इज़ बाथटब। ओके, एंड यहाँ से भी हम एंटर कर सकते हैं। अगेन बाथटब, दिस वॉशिंग एरिया बाथटब के ऑपोजिट, एंड दैट्स मी। दिस मिरर दो सो कूल दिस इज, ठीक है, देयर इज अ मैग्नीफाइंग मिरर राइट हियर, एंड दिस इज द बेड, सो प्रिटी। एंड देन देयर इज अ स्टडी एरिया, सिटिंग स्पेस। फ्रूट्स ला के रखे हैं यार, बताओ। मैं अभी अभी हाथ धो के आई, अब वड़ा पाव जो उन्होंने मुझे दिया है वो मैं टेस्ट तो कर लूँ। मेरे जीवन का पहला वड़ा पाव मुंबई का। जितनी बार भी आई हूँ सोच रही थी वड़ा पाव खाऊंगी, वड़ा पाव खाऊंगी, पर मैं खा नहीं पाती थी। इट स्मेल्स सो गुड। This is nice. It's warm. Wow. मैं नहा के गुड गर्ल हो गई हूँ, गोपाली का डायलॉग है। तो मैं अभी जा रही हूँ हिमाद्री के रूम में। हिमाद्री 19th फ्लोर पे है, मैं 17th फ्लोर पे हूँ। मुझे उसके रूम का एक्सेस नहीं मिल सकता, बट मैंने ऐसे रिक्वेस्ट करके उनको एक एक्स्ट्रा कार्ड बनवाया 19th फ्लोर के एक्सेस के लिए। आई एम वेयरिंग दिस ड्रेस फ्रॉम ज़ारा। इट्स अ व्लॉगसेप्शन। मैंने पता सुन लिया था कि तूने रिकॉर्ड बटन दबाया, सुन लिया? हाँ, सुनाई दिया। हाय टू शालिनी'स व्लॉग, हाय व्लॉग। अभी टिकटॉक बन के क्यों आई हूँ मैं तो इतनी, और मैं हमेशा टिकटॉक लग रही हूँ मैं तुझे। हाँ। मेरे पास ऐसे आपके ऐसे वाले कपड़े नहीं है, क्योंकि लगेज हमारा बड़ा भाई भाई हो रहा था इसलिए। सच्ची में मेरा इस बार पहली बार मेरा वो हुआ 10 किलो का, वरना मैं हमेशा 16 या 17 किलो। हिमाद्री ने सोर्स किया ये आउटफिट, अच्छा लग रहा है, बट तू बोल रही ना फिटिंग की प्रॉब्लम है, तो क्यों उसके ऊपर जा रही है? मैं तुझे बताती हूँ, देख कि यू हैव द फिगर, यू हैव द फेस, यू हैव एवरीथिंग, यू हैव द कॉन्फिडेंस, बट
दिस ड्रेस कैन ब्रिंग डाउन द कॉन्फिडेंस बिकॉज इट इज लूज ऑन यू. नहीं पहनू क्या फिर? हाँ ये मत पहन तू. जो जिसने आउटफिट को सोर्स किया वो ये व्लॉग देख के बोल रहा है क्या? यही थी लड़की जिसने कन्विंस किया था. अच्छा लग रहा है ये. आई थिंक यू शुड वेयर दिस आउटफिट. इतनी कंफ्यूज है माधुरी कि वो पहनू या ये पहनू. ये डिजाइनर आउटफिट है, ये ज़ारा का आउटफिट है, ये लूज था. रुको बताने दो, रुको. ये लूज था तो पीछे हैक किया है ऐसी अभी के लिए, बट प्रॉपरली करना पड़ेगा इसको. खाना आ गया. इसका रूम ना एकदम शादी वाला रूम लग रहा है अब तेरा. अभी हम लोग ने एक बिफोर ट्रांजिशन किया है, आफ्टर करेंगे और एकदम हाई क्वालिटी वीडियो फिल्म हो रहा है थैंक्स टू प्रताप. हियर्स प्रताप गाइस. थैंक यू फॉर हेल्पिंग अस आउट टुडे. हिमाद्री के साथ लंच करने के बाद मैं अपने कमरे में आ चुकी हूँ एंड आई विल स्टार्ट गेटिंग रेडी नाउ क्योंकि मुझे नेचुरल लाइट में रेडी होना है एंड आई नो लास्ट टाइम की तरह मुझे लेट नहीं होना. सो लेट्स गेट रेडी. 2 hours later. मैं रेडी हो चुकी हूँ. मैं कैसी लग रही हूँ मुझे बताओ कमेंट सेक्शन में. बड़ी मेहनत लगी यार रेडी होने में. पूरा रूम वॉशरूम सब बर्बाद कर दिया है. आई मीन लुक एट द मेस. ये देखो बर्बाद बर्बाद. और बालों का कुछ कर नहीं पाई मैं. खुशी तो मेरा मेकअप तो अच्छा लग रहा है ना. हील्स ना कुछ जम नहीं रहे हैं मुझे. मतलब थोड़े अनकंफर्टेबल से लग रहे हैं, अच्छे से पहन नहीं पाई. सो पहले मैं माधुरी के पास जाती हूँ एंड उसके बाद में देखती हूँ क्या करना है. माधुरी तू कोकिल कंटिल अप्सरा लग रही है, वाइट परी. गाइस मीट द मंक टीम टॉकिंग टू हिमाद्री अबाउट वड़ा पाव. ये दिखती नहीं पर मौजूद रहती है. यहाँ पे हो रहा है रेड कार्पेट. अब असली सेलिब्रिटी आ गए हैं. हम तो बस ऐसे ही करण वाइज हियर. Guys, look at Himadri Pro, जैसे ही different different poses में अच्छे से photos click करवा रही. And look at me, I mean ढंग से खड़ा भी नहीं हुए जा रहे. What am I? Is Tarini? Yes, me. We look kind of look similar. Maybe it's the smile. Yeah. She took a really nice. It's really really pretty. Yeah. Thanks Tarini for saying hi to the vlog. Another red carpet and this is a huge one. कैसे हो आप? I'm good. You're looking so pretty. हाँ, we are almost. Yes. ठीक है. Awards में एक ऐसी चीज that you're looking forward to. मुझे मिल जाए. Hi, cute dancer. Hello. That's hi so much, Mita. किसी चीज के लिए excited हो आज? बताओ. Actually, I don't know what to expect. Last time तो मेरे को पता था that I'm normal. चूक के गई थी ये last time. This party is your party. Hi. एकदम क्या प्रिंसेस लग रही है. व्हाइट प्रिंसेस एंड रेड प्रिंसेस एंड नेवी प्रिंसेस. ट्वेल्व ट्वेल्व घूम जा. तू तो पूरी रेड कार्पेट लग रही है. मीट रूपल. मैंने सोचा कि बुढ़ापे से पहले मैं जितनी आई मेकअप लुक ट्राई कर सकती हूँ. सबका लेती हूँ. मुझे लगता है हर आई शेप के लिए कुछ ना कुछ तो बना. यू विल फाइंड योर मीट अदिति योर क्वर्की. द क्वीन इज हियर गाइस. Looking so pretty. And हाँ ईशान is also here. ईशान vlog कर रहे हैं इनके लिए. Yes, Karishma, she's looking so pretty. Thank you, Shalini, and all the best for your vlogging. And I've seen couple of them, and it's really, I have. Okay, my night is made. Okay, bye. That's Shaheen Bhatt. Interview दे रही है वो. She looks so pretty. And this is the second red carpet. I think यहाँ पे अच्छे से pose कर पाई मैं. And then happened the interview जिसके लिए मैं बहुत ज़्यादा nervous थी. But I think I did kind of well. I don't know. Red carpet वगैरह हो चुका है. Event अभी शुरू होने वाला है. The award nights. पीछे ना खाने पीने का भी रखा है उन्होंने. वहाँ पे देखो हिमाद्री अपने videos बनवा रही है, photos click करा रही है. मैं तो बहुत खुश हूँ आके. हालांकि मुझे shoe white already हो चुका है. कितनी क्लासी लग रही हो. यू लुक लाइक एन अवार्ड. यस
क्वीन हां आई डोंट नो हाउ टू प्रोनाउंस माय सरनेम मुझे लगा मानसी का सरनेम इज नाउ बट वो उसका अच्छा बैड फ्रेंड या सॉरी माफी माफी ठीक है सी घोसाड़कर बेटर कुड बी बेटर बट इट्स फाइन दो सेकंड में भूल गई जानू तेजस्वी जैसे लगती है थोड़ी थोड़ी दैट इज ट्रू और लोग कहते हैं मेरी आवाज भी वैसी है थोड़ी थोड़ी आई डोंट नो आवाज तो नहीं नो गाइस अर्जुन इज सो हैंडसम मैंने इसके पास से अर्जुन को देख लिया बस सनी लियोन इज वॉकिंग विद हस्बैंड मैं क्रीप तो नहीं कर रही सेलिब्रिटीज को मैं खुद पापराजी बन चुकी हूँ पानी को ये बता बता क्या बोला था सनी लियोन को देख के बोलता है सनी लियोन को देख के क्या बोलता है शिवानी सुन ले ये बोल रहा है कि मैंने आपकी सारी वीडियोस देखी मैं जाके बोल के आता हूँ मूवीज बोला है मैंने मूवीज शिवानी जरूर करना चाहिए रिटायरमेंट अनाउंस किया है व्हाट नेक्स्ट इतना डिफरेंट सवाल व्हाट नेक्स्ट जी सो मेनी थिंग्स आई हैव एक्चुअली नॉट हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट बिकॉज़ आई वेंट स्ट्रेट इनटू mentoring the RCB women's team and then I went straight into starting some tennis again. My fellow Gurgaonians. सबसे weird audition, weirdest experience क्या था starting? Weirdest. पहले तो audition तक पहुंचना अपने आप में struggle रहता था कि उस कमरे में कोई आए हमें एंट्री दे दे जी. एक बार ऐसा हुआ था एक बहुत weird audition था तो it was a realistic like normal ऐसा conversation था तो मैंने पूरा कर दिया then the casting guy then he told me कि आप ये same चीज जो है Can you do it like a monkey? But of course, you know how it is. You can't say again. No. They're like, sure. Of course, then I went full shiddat se couches mein kood kood ke pura wo scene kiya. I still have no idea usne kyun aisa karwaya. Kya wo mujhse mazay le raha tha? This is the award that I've been waiting for. Kyunki abhi aane wala Aditya Roy Kapoor. I'm gonna die. This award is Aditya Roy Kapoor. Thank you so much, guys. That was fun. You know, this room had gotten empty. And then you enter. No, no, no. You're just exaggerating. And when is the next time these lovely ladies can see the those chiseled abs? I mean, we can make a plan if that's. I mean, I'm chilling. I'm not shooting anything for the next couple of weeks. But the problem is, currently there are no abs. I'll let you know when they when they come. आप लोग थक गए होंगे ना सुन सुन के क्या ओजी क्रिएटर ओजी क्रिएटर क्या ओजी यहाँ पर बोलते रहे हो गया I love your work by the way thank you so much लॉक को हाय बोलिए we always get to meet events में but I love her content I love her voice and she's so pretty her content just look at she is looking stunning hello Keep watching her content. It is the best. What was the moment you were looking for tonight? ये अभी जब आप कैमरे ऑन करके हमारे रिकॉर्डिंग करेंगे ये मोमेंट अब तो आएगा All of you beautiful people here and celebrating the night with you. I think that was something that we've been up for so many nights. Stories of 17-year-olds to 16-year-olds, right, who are doing good for the world. Guys, award night खत्म हो चुका है, खाना पीना शुरू हो चुका है, तो मैंने ये ले लिया है सांदरिया. I like it. But मुझे ना बिना खाए पिए ऐसे नहीं पीना चाहिए जैसे बट प्यास लग रही है तो मैं ऐसे पानी जैसा पी रही हूँ उसको. अवार्ड का तो पता नहीं पर मामा अर्थ वाले खिलाते ज़रूर हैं सो हमको खिलाया जा रहा है बहुत कुछ है अच्छा अच्छा Let's have food now. भूख लगी है ना भूख लग रही है आपको हाँ बहुत तेज भूख लग रही है Hi Shalini. कैसे हो आप I'm good. How are you all? पूरा अवार्ड नाइट खत्म हो गया अब जाके कोमल मिल रही है खाने के टाइम पे पर ये है कि कोमल पूरे टाइम बैठे हुए थे पूरा अवार्ड देखा उन्होंने ऐसा लग रहा है मुझे क्यों ऐसा है सब देखा सब याद कर लिया सब अभी हम लोग 9th फ्लोर पे बैठ के अभी डिनर किया मैं आपको स्काई दिखाना चाहती हूँ इतना अच्छा लग रहा है इफ ओनली माई कैमरा विल कैच इट बिल्डिंग ही बिल्डिंग दिख रही है कितनी ऊंची बिल्डिंग है
मुंबई की. मैं वही कह रही थी मेरे व्लॉग में मोटिवेट्स अ लॉट टू सी दिस ह्यूज बिल्डिंग्स लाइट्स के साथ. मुंबई हिट्स यू डिफरेंट. हां दैट इज ट्रू. इट्स अ रैप. सब लोग जा रहे हैं खाना पीना सब कुछ करने के बाद. एक बजने को आ गया. एक ही बज रहे हैं ना. एक बज गया. हाँ रूम में आ चुकी हूँ. अब ये जो सेक्सी अवतार है मेरा उसे हटाने का समय आ चुका है. पता है क्या मुझे ना ऐसे बाल अच्छे लग रहे हैं अब मेरे फुले फुले. बट एनी वे गाइज आई हैड सो मच फन टुडे. मैं आपको बता नहीं सकती. काफ़ी क्रिएटर्स इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज को देखने को मिला और कुछ नए दोस्त भी बनाए आज मैंने. ऐसी मामा तरक्की करते रहे और हमें भी बुलाते रहे और हम भी तरक्की करते रहे. सब तरक्की करें. आप लोग भी तरक्की करो. अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. मैं आपसे फिर मिलूंगी. बाय.